इस वीडियो में हम समझेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग सेमीकंडक्टर डायोड्स को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग को समझने के लिए आपको पहले सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड को समझना होगा सेमीकंडक्टर और पी एन जंक्शन डायोड से रिलेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आइए फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग को डिटेल में समझते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ते हैं तब एक पी एन जंक्शन डायोड बनता है क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये दोनों मेजॉरिटी कैरियर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिससे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है इस डिप्लेशन लेयर में पॉजिटिव चार्ज एन साइड और नेगेटिव चार्ज पी साइड होता है और यह डिप्लेशन लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इसके साथ ही पोटेंशियल या वोल्टेज भी बनता है जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं यह पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल को फर्दर डिफ्यूजन होने से रोकता है फॉरवर्ड बाइसिंग अब अगर हम इस डायोड के पी साइड को एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तब हम इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग इस प्रोसेस में बैटरी का वोल्टेज डायोड पर अप्लाई होता है जिससे पोटेंशियल बैरियर कम होने लगता है वोल्टेज अप्लाई होने पर एन साइड के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से रिपेल होते हैं सिमिलरली पी साइड के मेजोरिटी कैरियर्स होल बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से रिपेल होते हैं और पी एन जंक्शन की ओर मूव करते हैं पी रीजन का पॉजिटिव पोटेंशियल एन रीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है साथ ही एन रीजन का नेगेटिव पोटेंशियल पी रीजन के होल को अट्रैक्ट करता है इसके कारण मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन पर डिफ्यूज होते हैं यानी कंबाइन होते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन जो होल के साथ कंबाइन होता है उसके साथ साथ पी रीजन में एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है यह इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर वायर के थ्रू फ्लो करता है ऐसा होने के कारण जिस प्लेस से इलेक्ट्रॉन लिब्रेट हुआ है वहां एक नया होल क्रिएट होता है और यह होल जंक्शन की ओर मूव करता है दूसरी ओर नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में एंटर करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन जंक्शन में डिफ्यूज हुआ है उसकी जगह ले सके अब क्योंकि एन रीजन से इलेक्ट्रॉन और पी रीजन से होल कॉन्टिन्यूसली माइग्रेट होते हैं इस कारण करंट क्रिएट होता है जिसे हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं या इस प्रोसेस को फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं रिवर्स बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग में एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज से और पी साइड को बैटरी के नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है रिवर्स बाइसिंग में अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर के सेम डायरेक्शन में ही होता है इसके कारण अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता है जिसके कारण डिप्लेशन रीजन की वृथ बढ़ने लगती है रिवर्स बाइसिंग में अप्लाइड वोल्टेज को रिवर्स वोल्टेज भी कहा जाता है अब क्योंकि डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण जंक्शन के थ्रू कंडक्शन नहीं होता है हालांकि वोल्टेज बढ़ने पर कुछ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस करते हैं जिससे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है जिसे हम रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट भी कहते हैं अब क्योंकि रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा है और कंडक्शन करंट बहुत कम है इसका मतलब है कि पीएन जंक्शन की रेसिस्टेंस रिवर्स बाइसिंग में बहुत ज्यादा होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल